नमस्कार दोस्तों, कुकिंग लाइव स्मिता किचन में आपका स्वागत है। तो सबके साथ लेकर आई बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो है कद्दू की। कद्दू तो सभी खाना पसंद करते हैं, पार्टी में कहीं भी जाओ तो कद्दू की सब्ज़ी तो ज़रूर मिलती है हमें। ये कई तरह से बनाई जाती है, कई तरह से इसका टेस्ट होता है। कई खट्टी खाना पसंद करते हैं लोग, कई मीठी खाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं इस सब्ज़ी को खट्टी मीठी दोनों तरह की बनाऊँगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ये कद्दू लिया है, कद्दू को सीताफल भी बोलते हैं। इसे धोकर मैंने कट कर लिया है। तो अभी हम मिक्सी का जार लेंगे। पहले मिक्सी के जार में यहाँ पर 4 हरी मिर्च, अदरक का टुकड़ा और ये 6 से 7 कली लहसुन की। अभी यहाँ पर कच्ची अम्बी ली है मैंने, जो बिल्कुल कच्ची है, इसे भी काट कर डाल देंगे। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी, इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों एक बार। अभी जो हमने कच्चे में उसको भी काट दिया है, मतलब पीस बनाकर डाल दिया जार में। और 2 चम्मच यहाँ पर कोरिएंडर सीड लिए हैं और थोड़ा सा पानी डालकर इनको हम पीस लेंगे। ये देखिए मैंने मिक्सी में अच्छी तरह से सारा पेस्ट बना लिया है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको इसे बनाया मैंने। तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। अभी यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने मेथी दाना डाला था, उसे पकने के बाद यहाँ पर जो हमने पेस्ट बनाया है ना, वो सारा डाल देंगे इसमें। कच्ची अम्बी को पीस कर डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता सब्ज़ी में। ये देखिए थोड़ा सा जार में पानी डालकर ये भी इसी के अंदर डाल देंगे। अभी अच्छे से मिला देंगे। अभी यहाँ पर इसमें हम मसाले भी ऐड कर देंगे। तो मसालों में हम हल्दी पाउडर लेंगे 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक लिया है, अच्छे से मिला देंगे। अभी इसको हम 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। साथ में यहाँ पर गुड़ डाल देंगे, मैं यहाँ पर गुड़ डाल रही हूँ। यदि आपके पास नहीं हो तो चीनी भी डाल सकते हैं। वैसे गुड़ डालने से ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है, क्योंकि गुड़ होता है ना जो, वो बहुत ही अच्छा टेस्ट बढ़ा देता है सब्ज़ी में। मीठापन जो होता है ना गुड़ का, वो अलग ही आता है, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी अच्छे से मिला देंगे, 1 से 2 मिनट तक हम पकने देंगे। अब ये सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, तो अभी ये जो हमने कद्दू कट किया है उसे डाल देंगे। मैंने जो ये कच्चा वाला कद्दू है तो इसके बीज भी मैंने साथ में डाल दिए हैं, क्योंकि ये कच्चे हैं। अभी इसमें यहाँ पर 1/2 गिलास मैंने पानी भी डाल दिया है, क्योंकि मैं इस सब्ज़ी को सूखी बनाऊँगी। आप यदि ग्रेवी वाली बनाना पसंद करते हैं तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दें। अभी 2 चम्मच मैंने सूखी मेथी डाली है और 1 चम्मच यहाँ पर मैंने धनिया पाउडर डाला है। सूखी मेथी डालने से भी कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी यहाँ पर हम अच्छे से मिलाकर इसको ढक देंगे, मीडियम आंच पर 10 मिनट तक हम पकने देंगे। 10 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। 10 मिनट होने के बाद ये देखिए सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही सूखी बनाई मैंने ये। आप इसे पूरी के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी बनती है। अभी कड़छी से थोड़ा सा हम मैश कर देंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। आप इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।